नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे पेशेंट का टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिनकी हमने लाइपोसक्शन एंड टमी टक सर्जरी करी थी और उनका क्या अनुभव रहा है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। मोस्टली पेशेंट को हम लोग वन डे स्टे का बोलते हैं, अगर मल्टीपल एरियाज रहते हैं तो कई बार टू नाइट स्टे होता है, लेकिन आमतौर पर सिर्फ टमी टक करना है तो एक नाइट में स्टे में काम हो जाता है। उसके बाद प्रेशर गारमेंट दिया जाता है जो अगले कुछ दिनों तक पहनना रहता है। बाकी लाइट वर्कआउट या लाइट एक्सरसाइज आप 5 से 7 दिन में कर सकते हैं, और हेवी वर्कआउट जो होता है वो 3 से 4 हफ्ते तक नहीं करना रहता है। अपने घर के जो रूटीन एक्टिविटी होती है, फिजिकल वर्क रहता है, घर पर काम है या फिर ऑफिस का काम है, वो आप सारा कुछ रिज्यूम कर सकते हैं आफ्टर 3 डेज। जो कॉस्ट रहता है लाइपोसेक्शन का, उसका रेंज रहता है, हम किस पार्ट में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर एब्डोमेन का एरिया कर रहे हैं तो कॉस्ट अराउंड आपका 50,000-60,000 के रेंज में होता है। यदि टमी टक कर रहे हैं तो उसमें कितना बड़ा एब्डोमेन है उस पर डिपेंड करता है, उसका जो कॉस्ट रहता है 75,000-80,000 तक हो सकता है। अगर एब्डोमेन थाइज दोनों ही एरिया है तो 80,000-90,000 तक होता है। एब्डोमिनल थाई आर्म्स तीनों एरिया है तो कितना आपका वेट है उस पर डिपेंड करता है, रफली जो रेंज होती है 1 लाख-1,25,000 इस टाइप से हो सकता है कॉस्ट। हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज प्रिया सिंह शुक्ला, मिस इंडिया 2019, मिसेज यूनिवर्स पॉजिटिव टाइटल होल्डर 2023। एंड मैं मेरी और मेरी तरह दिखने वाली बहुत सारी फीमेल्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ। लाइपोसक्शन एंड ये जो प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली फॉर फैट पीपल। अगर आप ऑलरेडी फिट हैं बट आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू सम रीजन आपका स्किन लूज है, नहीं आप बहुत ज्यादा जिम करके भी उसको करेक्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है। यू कैन कम टू जेनिथ हॉस्पिटल एंड आप यहाँ पे सर से गाइडेंस ले सकते हैं, टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, टीम इज एक्सट्रीमली गुड। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी फैट और तभी आप कोई सर्जरी कराएं। अगर हम ऑलरेडी फिट हैं लेकिन अपने आप को और बहुत बेहतर देखने के लिए, बहुत बेहतर जानने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं दे आर अमेजिंग। यू विल गेट द कॉन्फिडेंस विच इज नॉट देयर इन यू, विच वॉज देयर अर्लियर, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस किसी रीजन से, लाइक बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा स्किन लूज हो जाता है, पर लूज हो गया किसी भी रीजन से, नॉट ओनली इन द टमी एरिया, इवन इन द थाइज, आर्म फैट, आप यहाँ आ सकते हैं एंड यू आर गोना लव द रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। द प्लेस इज अमेजिंग, सारे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, द होल हॉस्पिटल इज वेरी गुड एंड आई मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस। थैंक यू सो मच।